वेलकम टू टू सो टुडे वी आर गोइंग प्लांट किंगडम एंड इन प्लांट किंगडम वी विल डू प्लानी ग्रुप सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम सो प्लांट किंगडम के अंदर हर मल्टी सेलर यूटिक प्लांट्स इंक्लूड होते हैं और वो ऑटोट्रोफिक होते हैं मतलब अपना जो फूड है वो खुद फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं कुछ प्लांट्स हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड प्लांट्स के अंदर फाइव ग्रुप्स होते हैं दैट आर एल्गी ब्रायोफाइटा टेलीडोफाइटा जिमनोसवम्पस एंड एनजियोस्वम्स तो फर्स्टली so, हम स्टार्ट करेंगे एल गी सो so, जो एल टर्म थी वो किसने दी थी लीनियस ने एंड जो एल की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं फाइकोलॉजी फाइको फाइकोमीन्स एलगी एंड लॉजी मीन्स स्टडी फाइको फाइकोमीस एलगी एंड लॉजी मीन्स स्टडी सो so, द स्टडी ऑफ एलगी इज फाइकोलॉजी जो फादर है फाइकोलॉजी के वो थे फ्रेश एंड जो फादर ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी थे वो थे एम ओ पी एनगर जो करेक्टर्स हैं वो एल्गी के क्या क्या हैं जो एल्गी है वो हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल जाती है वो हमें मैराइन वाटर के अंदर भी मिल जाती है और वो हमें लैंड पर भी मिल सकती है या फिर कुछ और प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनके सरफेस पर भी मिल सकती है जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है वो फिलामेंटस भी हो सकती है वो कॉलोनील भी हो सकती है लाइक वॉल वॉक्स एंड वो यूनिसेलर भी हो सकती है जो ये एल्गी है वो सराउंडेड होती है बाय मिली म्यूशीलेज शीत म्यूशिलेज की बनी होती है जो एंड म्यूशलेज की जो शीत है उसके नीचे सेलवोल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है सेलोज एंड पैक्टीन की अगर हम एल्गी को स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो एल्गी को हम थैलोइड कहते हैं क्यों क्योंकि उसके अंदर जो रूट होती है स्टेम होती है और लीव्स होती हैं उनके अंदर कोई भी डिफ्रेंसीशन नहीं होता तो हम पूरी जो एल्गी की होल बॉडी है उसको हम थैलोइड कह देते हैं जो एल्गी है उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ भी एब्सेंट होते हैं एंड उनके अंदर न्यूट्रिशन है वो फोटोटोट्रोफिक होता है इसका मतलब क्या है लाइट की हेल्प से ख़ुद के फूड का सिंथेसिस करना और इसके अंदर वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो यूनिवर्सल पिगमेंट है एल्गी के वो हैं क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन ये हर एल्गी के अंदर हमें मिलते हैं नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन एल्गी एलगी के अंदर रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होता है वेजिटेटिव ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है बाइनरी फेजिंग की हेल्प से इसके अंदर क्या होता है जो सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं इंटू तो टू पार्ट्स एंड जो ये टू पार्ट्स हैं आगे जाके है, एक नए ऑर्गेनिजम की फॉर्मेशन कर देते हैं नई एल्गी की एंड इसका एग्जाम्पल है यूनी सेलर एलगी जिसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रजेंट होती है नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन बाइनरी बैनिफीजन के अलावा फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है जो एल्गी हैं उनके फिलामेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इंटू स्मॉल पीसेस और ये जो फ़िलामेंट्स है वो जाके आगे जाके नई एल्गी की फॉर्मेशन कर देते हैं और इसका एग्जाम्पल है ओल फिलामेंटस एल्गी नेक्स्ट आता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके हेल्प से होता है जूस पोज की हेल्प से होता है वो होता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर एंड जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तब वहाँ पर फॉर्मेशन होती है ए प्लानोस्पोर्ट्स की एंड हाईपनोस्पोर्ट्स की नेक्स्ट आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एल्गी है वहाँ पर टू सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं ऊगोनियम जो ये सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर होते हैं और जैकेटलेस होते हैं मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पर उनके बाहर कोई भी सेल की वोल प्रेजेंट नहीं होती कोई भी जैकेट प्रेजेंट नहीं होती एंड जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है चारा का उसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम न्यूक्यूल कहते हैं जो प्लांट बॉडी है एलगी की वो हैप्लोइड होती है सो so, जो जाइगोटिक म्योसिस है वो होती है एल्गी के अंदर एंड जो इसकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होती है एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी हेप्लोंटिक मीन हेपोरेट स्टेज प्रेजेंट होती है और उसका एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन ex है ब्राउन एल की जिसके अंदर डिप्लोंटिक स्टेज भी प्रेजेंट होती है जो सेक्शल रिप्रोडक्शन है एल की के अंदर वो थ्री टाइप से होता है आइसोगैमस अनइसोगस एंड ओगैमस जो आइसोगस होता है वो होता है क्लेमेडोमनास डिबारनम के अंदर एंड यूलोथ्रिक्स के अंदर अनाइसोगस होता है क्लेमेडोमनास ब्राउनी के अंदर एंड ओगैमस होता है वोल वोक्स फ्यूकस एंड चारा के अंदर जो क्लासिफिकेशन है एलगी का वो हम पिगमेंट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं या फिर उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं या फिर जो उनकी जिनकी वॉल की कंपोजिशन है उसके बेसिस पे भी हम एलगी को क्लासिफाई कर सकते हैं तो हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं तो एलगी के अंदर थ्री क्लासेस होते हैं रेड एलगी ब्राउन एलगी एंड ग्रीन एलगी जो रेड एलगी है उसको हम रोडोफाइसी कहते हैं एंड जो ब्राउन एलगी है उसको हम फ्योफाइसी एंड जो ग्रीन एलगी है उसको हम क्लोराफाइसी जो रेड एलगी है उसके अंदर ए और डी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर ए एंड सी एंड ग्रीन एल्गी के अंदर ए एंड बी जो ए है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है तो वो हर एलगी के अंदर प्रेजेंट होता है और और जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गी के अंदर फाइकोबिलीस फाइकोराइथ्रीन या फिर फाइकोसाइन और जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर कुछ कैरेटेनॉइड्स एंड फ्लूकोज और जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर बीटा कैरेटीन एंड अदर कैरेटेनोइ्स जो फूड रिजर्व है रेड एलगी के अंदर वो किस फॉर्म में होता है फ्लोरेडियन स्टार्च एंड जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर लिपिड की फॉर्म में मैनीटोल की फॉर्म में और लेमनिरन स्टार्च की फॉर्म में एंड जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में जो रेड एल् का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफर करता है वो डिफ़र करते हैं यूनी सेलोर टू मल्टी सेलोर रेड एल्गी के अंदर यूनीलर एल्गी भी आती है और मल्टी सेलोर एल्गी भी आती है ब्राउन एल्गी के अंदर सिर्फ मल्टी सेलोअर फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर भी यूनि सेलर से मल्टी सेलर तक जितनी भी फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मतलब कई जो फॉर्म्स हैं वो यूनीलर होते हैं कुछ फॉर्म्स हैं मल्टी सेलर होती है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी के साथ जो क्लोरोफाइसी है उसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और वो मोस्ट एडवास्ड एलगी है जो ग्रीन एल्गी है वो एंसेस्टर्स होती है हायर प्लांट्स का एंड इसके अंदर रिजिड वॉल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है टू लेयर्स की दैट इज़ इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की एंड जो आउटर लेयर है वो बनी होती है पेक्टोज की जो इसके अंदर हैबिटेट है वो कॉस्मोपोलिटिन नेचर होते हैं वो हमें वेट सोयल में भी मिल सकते हैं रॉक्स पर भी मिल सकते हैं वॉल्स पर भी मिल सकते हैं एक्सेट्रा इसके अंदर जो थैलेस है वो हमें यूनिसेलर से लेके मल्टी तक मिलता है यूनिसेलर फ्लैजलेट कौन होता है क्लेमाडोमोनास एंड यूनि सेलर नॉन फ्लैजलेट का एग्जांपल है क्लोरेला एंड एसिटाबलेरिया और कॉलोनियल फ्लैजलेट का एग्जांपल है क्लोरेला मतलब क्लोरेला है वो यूनिसेलर नॉन फ्लैजलेट भी हो सकता है और कॉलोनियल फ्लैजलेट भी हो सकता है नेक्स्ट आता है मल्टी सेलर फॉर्म्स मल्टी सेलर फ्लामेंटस फॉर्म्स प्रेजेंट होती है लाइक like, यूलोथ्रिक्स एंड थैलोइड फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं लाइक उलवा जिसको हम सी लेट्यूज भी कहते हैं इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है और जो जेंथोथफिल है वो प्रेजेंट होता है लोटिया जेंथीन एंड वोयला जेंथीन जो वोयला जेंथीन है वो येलो कलर्ड होता है ग्रीन एल्गी के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च क्लो प्रेजेंट होते हैं विद द पाइनोइड्स एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोर्सोस ए प्लेनोस्पोर्स हाइपनोस्पोर्स एंड ए कैनोइड एक्सेट्रा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोगैमी एंड आइसोगी एंड ओगैमी ओगैमी प्रेजेंट होता है वॉलवक्स के अंदर लाइक डेज जो वॉलवर्स है वो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो आगे जाके जो भी स्पर्म है या फिर ओगोनिया है उसकी फॉर्मेशन करते हैं और जो ये गैमिट्स बनते हैं उसके अंदर जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है फ्लैजिला के साथ प्रेजेंट होता है हो, स्मॉल होता है और जो फीमेल गैमिट है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है और ये है स्पायरो स्पायरो के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पायरल शेप्ट का होता है एंड जो सेल वॉल है वो वही पैक्टीन और सेल की बनी होती है नेक्स्ट आता है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो ब्रेन एल्गी है वो एज अ फूड भी यूज़ की जाती है एग्जाम्पल इसका क्लोरेला एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ की जाती है क्लोरेला से हमें क्लोरेला एंटीबायोटिक ही मिलता है एंड स्पेस रिसर्च में भी यूज़ की जाती है जो क्लोरेला है वो एक सोर्स है फूड का एंड ऑक्सीजन का तो जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो क्लोरेला को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फ़ूड एंड ऑक्सीजन एंड पैरासिटिक एल्गी है जैसे सफेलोल्यूरस वो पैरासिटिकली रहती है ऑन द लीव्स ऑफ टी प्लांट एंड रेड रस्ट कोज करती है जो रेड रस्ट है वो प्लांट डिजीज़ है वो उसको जो ये फैलो ल्यूडस है वो कोज करती है नेक्स्ट आता है फ्योफाइसी फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं जो ब्राउन एल्गी है वो मेनली कंटेन करती है अबाउट टू हंड थाउजेंड स्पीसीज जो ब्राउन एल्गी है वो हमें मेगा वाटर ब्रैकिश वाटर एंड सोल्ट वाटर के अंदर मिलती है और इनकी जो फॉर्म्स होती है वो मल्टी सेलो फिलामेंटस होती हैं इनका जो साइज़ है वो लार्जेस्ट इन साइज होते हैं वो हंड्रेड मीटर तक भी जा सकते हैं इन लेंथ और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टस जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो यूजअली अटैच होती है टू तो द सब स्टेट बाई होल फास्ट एंड होल्ड फास्ट और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में एक स्टोक होती है एंड इस स्टेज को हम कहते हैं लीफी स्टेज जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके पास सेलोज की वॉल होती है जो कवर होती है बाय अ जिलेटेनियस शीट जो बनी होती है एल्गिन की इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी पीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोज इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमेरियन एंड मैनीटोल जो मैनीटोल है वो लेमिनेरियन है वो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोहाइड्रेट के इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन सर्गेसम एंड स्टोलोन्स इन डिकटा एंड जो ए सेक्शल रिपोडक्शन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स को हम जू स्पोर्स कहते हैं एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम न्यूट्रल स्पोर या फिर टेट्रोस्पोर्स या फिर मोनोस्पोर्स कहते हैं इनके अंदर सेक्शल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोगी अन आइसोगी एंड ओ नेक्स्ट देखते हैं हम ये फ्यूकस है ये लेमनेरिया है जो लार्जेस्ट एल्गी है ग्रीन एल्गी सॉरी लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी है मैक्रोसिस्टस लेमिनेरिया एंड सरगसम एंड जिनकी इकोनमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है ये एज अ फूड भी यूज़ की जाती है जो लेमिनरिया है मैक्रोसिसटस है एंड जो सरगसम है वो यूज़ की जाती है एज अ फूड एंड कुछ ब्राउन एल्गी एज अ फोडर भी यूज़ की जाती है इनसे हमें आयोडीन और पोटाश मिलता है जो फ्यूकस है और लेमिनेरिया है वो रिच होती हैं इन आयोडीन एंड जो मैक्रोसिसटस है वो रिच होती हैं इन है, है, पोटाश ये मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है हमें जो सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट है वो हमें मिलती है लेमिनेरिया से जो एक इफेक्टिव ब्लड एंटीकोगुलेंट है जो लेमिनेरिया है एंड जो एस्कोफाइलम है उसके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो एल्गिनिक एसिड है एक फाइलोल फाइको uh, वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ ब्राउन एल्गी लाइक लेमिनेरिया मैक्रोसिसटस फ्यूकस और सरकसम नेक्स्ट आता है जोरोफाइसिस जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं जो रेड एल्गी है उसको हम एशियट एल्गी भी कहते हैं और वो कंसिस्ट करती है अप टू फाइव थाउजेंड लिविंग स्पीसीज जो रेड एल्गी है वो हमें ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर और मेराइन वाटर के अंदर भी मिल सकती है एक्सेप्ट बैटरिको स्पर्मम एंड जो रोडोफाइसी है रेड एल्गी है उसके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज प्रजेंट नहीं होती और वो हमें मेनली मिलते हैं वार्म एरियाज के अंदर एंड और ये ऑल्टोट्राफिक होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ हालवे येला जो पैरासिटिक होती है ऑन अदर रेड एल्गी जिनकी प्लांट बॉडी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम यूनीलर फॉर्म्स टू मल्टी सेलर फॉर्म्स जो इनकी सेल वॉल है वो पोजेस करती है सेलुलोज को पैक्टिक कंपाउंड्स को एंड कुछ और कंपाउंड्स होते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड्स जिनको हम फाइकोकोलोइड्स कहते हैं जो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइक क्रोमेटोफोर्स जिनके पास सिंगल थैलाकोइड प्रेजेंट होता है इनके अंदर जो पिगमेंट्स है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी बीटा कैरोटीन आर फाइकोराइथ्रीन एंड आर फाइकोसाइन जो इनका कलर है रेड एल की का वो चेंज होता है विद द प्रेजेंस अगर वो डेप्थ में है तो वो हमें रेड दिखते हैं और अगर वे सरफेस पर हैं तो उनका जो हमें कलर है वो ब्लू दिखता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्यूरिकोज इफेक्ट जो रेड एल की है जो सरफेस पर सी के सरफेस पर अगर जो रेड एल है उसका कलर ब्लू है तो वहाँ पर जो आर फाइकोसाइनिन है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और डेप्थ पे अगर रेड एल्गी का कलर रेड है तो वहाँ पर आर फाइकोराइथ्रीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है ये इनके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है टू तो ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपैक्टीन इनके अंदर रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मोनोस्पोर्स कार्पोस्पोस एंड टेट्रोस्पोस और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ ओ गमल्स जो फीमेल ऑर्गन है उसको हम कार्पोगोनिया कहते हैं जो मेल ऑर्गन है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं नेक्स्ट आता है इकोमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी जो हर्बे या है वो कलरलेस एल्गी है और वो पैरासिटिक एल्गी होती है जो पोर्टफायरा है वो एडिबल फंगी एल्गी होती है और जो जेलिडियम एंड ग्रेस ग्रेसील एरिया है उससे हमें अगर अगर मिलता है जो एक हाइड्रोकोलोइड है और वो यूज़ किया जा किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया टू ग्रो माइक्रोव्स एंड आल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज़ सो यहाँ पर हमने एलगी कर लिया है का एंड इसके बाद हम एलगी गी यूज़ करेंगे एंड होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग